दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा मील मैंने ले लिया है, चिकन ब्रेस्ट पीस, स्मैश्ड पोटैटोस और ये एक पफ है विद कॉटेज चीज। दोस्तों गुम मॉल में आपका स्वागत है। ओपेरा म्यूजिक चालू है मॉल के ऊपर, तो देखो पूरा जो ग्लास है वो अमेजिंग फील दे रही है, अमेजिंग वाइब्स है यहाँ पर। काफ़ी पुराना ही है, 1890 टू 1893 कंस्ट्रक्शन, 4 साल में इतना क्या क्या बना दिया। हाँ मतलब ये पहले छोटा हुआ करता था, नीचे था एक फ्लोर था बस, और बाद में एक और बना दिया गया, तो ये धीरे धीरे बड़ा होते गया मॉल। पहले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था। देखो साइकिल, वाकई इंटरेस्टिंग, बहुत काफ़ी जगहों पर ये साइकिल्स रखे गए, वाकई अच्छा लग रहा है। तो ये है गुम मॉल, रोलेक्स का शॉप है और नीचे आप देख ही रहे हो कुछ मैरिड कपल्स जा रहे हैं। मॉल कुछ इस तरह दिख रहा है, वाकई बढ़िया मॉल है, घूमने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक कॉफ़ी तो ज़रूर पीऊँगा मैं, बस याद के लिए, मेमोरीज के तौर पर। हाँ हाँ हाँ, तीसरे लेयर पर आया हूँ मैं अभी, पता नहीं और कितना अंदर जाना पड़ेगा। टी शर्ट्स अच्छा लगा मुझे, अंकल स्क्रूच, मैंने कहा था ना अंकल स्क्रूच को मिस कर रहा हूँ मैं, बचपन की यादें, मिकी माउस। चलो एस्केलेटर है तो ऊपर भी जाते हैं। एस्केलेटर वगैरह में घूमने का फ्री ऑफ चार्ज है, यहाँ पर कोई मॉल में एंट्रेंस चार्जेस नहीं लगते। म्यूज़िक हर टाइम बजते जाता है, पता नहीं कॉपीराइट्स इश्यूज होगा कि क्या, आई होप नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे एक मॉस्को में भी इसी तरह एक आउटलेट मिल गया, गुम मॉल में ही हूँ मैं, और एक रेस्टोरेंट है अच्छा खासा है, मतलब मैंने जो सेंट पीटर्सबर्ग में एक वीडियो बनाया था जो खाना बहुत सस्ते में मिलता है कंपेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स, यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी वेराइटीज़ खाने मिलता है यहाँ पर। आप देख सकते हो ये पूरा लाइन है, ये कुछ इस तरह से ट्रे है, मेरा ट्रे अभी तक खाली है, मुझे कुछ पसंद नहीं आया बट कुछ ना कुछ लूँगा। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, मतलब अच्छा यहाँ से प्लेट लेना है कुछ चाहिए तो ले सकते हैं। आगे पास्ता भी है, राइस भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, ग्रेवी है, ग्रिल चिकन ब्रेस्ट, ये दे दूँगा, चिकन कटलेट है। और बॉलर बॉयल बकवीट, शैम्पेन क्रीम सॉस, शैम्पेन क्रीम सॉस, बॉयल राइस, बॉयल पास्ता, बीन्स ऑन एक पोटैटो,
पोटैटो ना 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 ये आज डाल मैश पोटैटो और चिकन ब्रेस्ट पीस लिया मैंने फिलहाल के लिए, बहुत हो जाएगा एक्चुअली, हैवी हो जाएगा ये दो चीज़ें, और बाकी क्या है, कॉलीफ्लावर या फिर सूप है, वाइट व्हीट ब्रेड, पी सूप, चिकन ब्रॉथ विद एग, नहीं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, ब्रेड ले सकता हूँ मैं, एक ब्रेड का पीस 7 rubles है, यहाँ पे सॉसेस अवेलेबल है, मस्टर्ड सॉस, किसके साथ पसंद आएगा, केचप, आलू सेका, मेयोनीज नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हुई ये यहाँ पर अवेलेबल है। ये सर विद कॉटेज चीज़। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा मील मैंने ले लिया है, चिकन ब्रेस्ट पीस, स्मैश्ड पोटैटोज और ये एक पफ है विद कॉटेज चीज़, मतलब पनीर, यहाँ पर कॉटेज चीज़ मतलब पनीर ही है। और ये जो मैंने टेस्ट किया अभी स्मैश्ड पोटैटोज, ये मुझे वाकई बढ़िया लगा यार, बहुत अच्छा है, 85 rubles अच्छा खासा क्वांटिटी है, बट ये काफ़ी हेल्दी है सीरियसली, और ये चिकन का पीस तो इतना मोटा है, इतना थिक है, पेट भरने वाला है। WC था वुमेन के लिए, औरतों के लिए, और ये जो अभी सामने आ रहा है वो है जेंट्स के लिए, बट जेंट्स के लिए भी आपने देखा, जेंट्स के लिए भी औरत है वहाँ पर, कोई मर्द नहीं है। अब
कैसे शर्माते हुए जाएगा यार मर्द, मतलब ये अजीब दिखने मिला मुझे, मतलब एक औरत बैठी है कलेक्ट करने के लिए, पैसे लगते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए भी पैसे लगते हैं, बट वहाँ पर औरत बैठी है यार, अजीब किस्से हो रखे हैं यार। ये स्टेयरकेस बड़े अच्छे लगे, मतलब ये स्टेयरकेस में मुझे अलग वाइब्स है, एक पुराना कल्चरल फील आ रहा है, वाइब्स अलग ही है। और आप ये देख लो, तो ऐसे कुछ वाइब्स सिर्फ गुम मॉल में ही मिलेगा, रशिया में आना पड़ेगा उसके लिए। तो अच्छा खासा लंच हो गया मेरा, लंच एट गुम मॉल बोल सकता हूँ लाइफ में कि यहाँ पर मैंने लंच किया था, वाह मज़ा आ गया, अच्छा था, टेस्टी था खाना, नो डाउट, कोई कंप्लेंट ही नहीं है। और आपको दिखा दूँ ये क्या लाइट इफेक्ट है, वाह 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 वाह, हाँ हाँ, वाकई मस्त लग रहा है, मस्त फीलिंग आ रही है। और ये जो स्टेयर्स बनाया है ना, उसके वजह से ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये मॉल 1893 के ज़माने का है, मतलब 130 साल हो गए यार इस मॉल को। तो दोस्तों गुम मॉल के बाहर आ गया, बेसिकली अंदर गुम हो जाता था, इतना बड़ा मॉल है बाय द वे। और जी भर के देख लिया जितना देखना था, शॉपिंग तो कुछ करना था नहीं क्योंकि ऑलरेडी लगेज बहुत हो गया है, सुविनियर्स बहुत सारे ले लिए। हाँ तो दोस्तों मैं कह रहा था कि गुम मॉल काफ़ी बड़ा है, गुम हो जाओगे, इतना बड़ा है, 100+ ब्रांड्स है यहाँ पर, और वाकई एक मैग्निफिसेंट है, एक इनक्रेडिबल मॉल है। आज तक मैंने इतना बढ़िया मॉल कभी नहीं देखा था। और अच्छा खासा पेट पूजा भी हो गया यहाँ पर, छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश थी ये मेरी, और क्योंकि कई बार मैं बड़े बड़े वीडियोस इंफॉर्मेटिव रहते हैं तो काफ़ी लंबे वीडियोस बन जाते हैं, तो गुम मॉल का ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए था। सो इसी के साथ साथ मैं अभी गुम मॉल के एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस पे आया हूँ जो कि एकदम सेंटर में है, और वो सेंटर वाले हिस्से में लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में 1890-1893, मतलब ये कुछ 4 साल चालू था इसका काम, बट पूरा ऊपर तक नहीं, ऊपर के जो फ्लोर्स है वो बाद में बनाए गए, नीचे का फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर पहले बनाया गया। ये वीडियो यहाँ पर ही एंड कर देता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड शीघ्र मुलाकात होगी, अलविदा दोस्तों, खुदा हाफिज, शब खैर, तस्विदानिया, फिर मिलेंगे, एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाकी सब बहुत बढ़िया चल रहा है, खाना भी बढ़िया था अंदर।